हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट पर। मैं हूँ केएस तोमर। अब आप हमारे स्टडी हाइट ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपको गैस पेपर और सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो प्ले स्टोर पर जाके जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करें। वेलकम फ्रेंड, अगर आप इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज जो इग्नू के न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी इग्नू में एडमिशन लिया है या जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था और उनके जून 2019 में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, तो वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए सबसे पहले जो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो है आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट क्या होता है? बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जो उनका आईडी कार्ड है वही हॉल टिकट होता है या नहीं। तो उस चीज़ के लिए आपको मैं बता दूँ, जो आपका हॉल टिकट है वो आपके एग्ज़ाम से 5 से 10 दिन पहले इग्नू की वेबसाइट पर आता है, उसको आपको डाउनलोड करना होता है। उस हॉल टिकट में आपके सब्जेक्ट की डिटेल, आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड, एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस, आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सभी डिटेल दी गई होती हैं कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा और किस टाइमिंग पे होगा। तो वो आपका हॉल टिकट होता है। और आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड बिल्कुल इससे अलग है, जो आपको एडमिशन के टाइम पर मिलता है। तो सबसे पहले आपको जो कैरी करना है वो आपका हॉल टिकट है। बिकॉज विदाउट हॉल टिकट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब इग्नू का हॉल टिकट जून 2019 एग्ज़ाम के लिए मई के लास्ट वीक तक अपडेट हो जाएगा, तो उसको आपको डाउनलोड करना होगा और उसे आप एग्ज़ाम सेंटर लेके जाएंगे, तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी और उसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर में कैरी करनी है वो है आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको एडमिशन के टाइम पर मिलता है, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है, आपकी कोर्स डिटेल, आपका एडमिशन सेशन, ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं, जिसे हम इग्नू आईडी कार्ड बोलते हैं। वो आपको ले जाना कंपलसरी है। बिकॉज आपके हॉल टिकट के साथ साथ आपका आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम सेंटर का स्टाफ है वो आपको वेरीफाई कर सके कि आपके एग्ज़ाम हैं और आपको ही इस सेंटर पे अलाउड किया गया है। बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि हॉल टिकट तो ले जाते हैं बट अपना आईडी कार्ड घर पर छोड़ देते हैं और सोचते हैं एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हॉल टिकट के साथ साथ अपना जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, जो इग्नू का आईडी कार्ड आपको मिलता है, वो आपको कैरी करना होगा। बिकॉज विदाउट आप ओरिजिनल आईडी कार्ड के वहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएंगे और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ज़रूर कैरी करें हॉल टिकट के साथ में। इन केस अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड अभी नहीं है या कहीं खो गया है या आप किसी कारण से उसे भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपना कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ वहां पर दिखा सकते हैं, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपके ही एग्ज़ाम इस सेंटर पर हैं और आप ही वही कैंडिडेट हैं जिसका हॉल टिकट आपके पास है। तो इसलिए अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं तो उससे भी आपको वेरीफाई कर लिया जाता है। बट ज़रूरी है कि आप अपना आईडी कार्ड लेके जाएं। इन केस अगर आपका आईडी कार्ड मिसप्लेस हो गया है या वो नहीं मिल रहा है, तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसका डुप्लीकेट आईडी कार्ड अपने रीजनल सेंटर जाकर इशू करवा लें। बिकॉज इन फ्यूचर आपको आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज सब जगह पर आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड ही मांगा जाता है। तो इसलिए अगर आपका आईडी कार्ड मिसप्लेस हो गया है तो डुप्लीकेट इशू करवा लें, अदरवाइज़ आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड अपने एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर कैरी करें। इन केस अगर कोई आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अपनी कोई भी अदर आईडी दिखा सकते हैं। एंड जो थर्ड नंबर पर जो आप कैरी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, वो है आपका राइटिंग मटेरियल, जैसे कि आपके पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं एग्ज़ाम लिखते समय, उन चीज़ को आप कैरी कर सकते हैं। बट आपके सेलफोन्स, आपके बैग, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होते हैं, ये सभी आपको बाहर ही सबमिट करने होंगे। तो कुछ इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना हॉल टिकट लेकर वहाँ जाएंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड आपको ज़रूर कैरी करना होगा। इन सभी चीज़ों के अलावा आप अगर कोई अदर चीज़ वहाँ पर लेके जाते हैं तो वो अलाउड नहीं होगी। एंड एग्ज़ाम सेंटर में आप कम से कम आधे घंटे पहले पहुँचें, यानी 30 मिनट पहले पहुँच जाएँ। अगर आपका एग्ज़ाम
10 बजे से स्टार्ट होता है, तो आपको 9:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। देखो 9:30 बजे पहुँचने के बाद आपकी वहाँ पर एंट्री होगी, आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको अंदर जाना अलाउड किया जाएगा। तो और बाकी जो बाहर लिस्ट लगी होती है उसमें भी आपको अपना एनरोलमेंट नंबर चेक करना होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कम से कम आधे घंटे पहले ज़रूर पहुँचें, एंड ज़्यादा जल्दी भी ना जाएं कि 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँच जाएं। सो उसमें भी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी भी ना जाएं और लेट भी ना जाएं, कम से कम आधा घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग कर दें, देन उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम ईजिली दे सकते हैं। सो आई होप उन सभी न्यू स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, एंड जब एग्ज़ाम सेंटर में वो पहुंच जाते हैं तो वहां से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप एग्ज़ाम अपने ईजिली दे पाएँ। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सभी टिप्स हेल्पफुल रही होंगी और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।